हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं विंडोज सर्वर 2012 की एक और नई फीचर के बारे में, जो कि है एनआईसी टीमिंग, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड टीमिंग। एनआईसी टीमिंग के टीम वर्ड से आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये फीचर कुछ टीम से या ग्रुप से रिलेटेड है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। एनआईसी टीमिंग विंडोज सर्वर 2012 में एक नई फीचर है। इस फीचर को विंडोज सर्वर 2012 में लोड बैलेंसिंग एंड फेलओवर या LBFO भी कहा जाता है, और इसकी हेल्प से आप सर्वर पर लगे हुए मल्टीपल नेटवर्क अडेप्टर्स या NICs को एक टीम में ग्रुप कर सकते हैं। और NIC टीमिंग ऐसे अप टू 32 नेटवर्क अडेप्टर्स को सपोर्ट करती है, यानी कि NIC टीमिंग में 32 नेटवर्क अडेप्टर्स या NICs हो सकते हैं। लेकिन नेटवर्क अडेप्टर्स की टीम बनाने का या ग्रुप बनाने का फायदा क्या है और ऐसा हम क्यों करेंगे? तो एनआईसी टीमिंग का पर्पज ये है कि अगर आपके सर्वर का एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड फेल हो जाए, तब भी वो सर्वर नेटवर्क में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, यानी के अवेलेबिलिटी। आपने एनआईसी टीमिंग कर रखी है और इस टीम में से एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क अडेप्टर फेल हो जाता है, तब भी सर्वर दूसरे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से सर्विसेज प्रोवाइड करता रहेगा और यूजर्स के लिए ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहेगा। और इसका दूसरा बेनिफिट जो है वो ये है कि इससे आप नेटवर्क बैंडविड्थ को एग्रीगेट कर सकते हैं, यानी कि बैंडविड्थ को आप जोड़ के एक बड़ी बैंडविड्थ के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड 1 GBPS पे डेटा सेंड करते हैं और ऐसे 3 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स का आप ग्रुप बना दें या NIC टीमिंग कर दें, तो इन तीनों का एग्रीगेट यानी के 1 GBPS इंटू 3 GBPS का नेटवर्क बैंडविड्थ अवेलेबल होगा जिसपे सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि नेटवर्क में जिस स्विच से वो कनेक्टेड है और केबल जिसके थ्रू वो कनेक्टेड है, वो दोनों ही इस चीज को सपोर्ट करती हों। तो इसीलिए एनआईसी टीमिंग को लोड बैलेंसिंग एंड फेलओवर या LSFO भी कहा जाता है, क्योंकि एनआईसी टीम में मौजूद सभी नेटवर्क कार्ड्स लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड करते हैं, और अगर उनमें से कोई भी फेल हो जाए तो उसकी एब्सेंस में भी बाकी के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते रहते हैं। NIC टीमिंग आप 3 मोड्स में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक है स्टैटिक टीमिंग, दूसरा है स्विच इंडिपेंडेंट, और तीसरी है LACP, जिसे डायनेमिक टीमिंग भी कहा जाता है। स्टैटिक टीमिंग IEEE 802.3AD ड्राफ्ट वर्जन 1 के ऊपर बेस्ड है, और इसमें NIC टीमिंग के लिए या ग्रुपिंग के लिए सर्वर पर और स्विच पर एडमिनिस्ट्रेटर्स को मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। इसके बाद सेकेंड टाइप स्विच इंडिपेंडेंट, ये अलाउ करता है कि आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स या नेटवर्क अडेप्टर्स डिफरेंट स्विचेस के ऊपर कनेक्टेड हों, तब भी उनमें टीम क्रिएट हो सकती है। और तीसरा टाइप है LACP, यानी कि लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसे डायनेमिक टीमिंग भी कहा जाता है, और ये बेस्ड है IEEE 802.1AX स्टैंडर्ड के ऊपर। और इस मोड में लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की हेल्प से टीम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सर्वर और स्विच के बीच में लिंक्स को डायनेमिकली या अपने आप से आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्विच के पोर्ट्स के ऊपर LACP मैनुअली एनेबल करना पड़े। तो इन 3 मोड्स को जानने के बाद हम ये जानते हैं कि इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। NIC टीमिंग को हम सर्वर मैनेजर और विंडोज पावर शेल से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप मुझे बताएं कि NIC टीमिंग में हम मैक्सिमम कितने नेटवर्क अडेप्टर्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? आपकी ऑप्शंस हैं 10, 20, 22 या फिर 32। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 15 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। तो इस वीडियो में हमने NIC टीमिंग के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।